नमस्कार, मैं मिस्टर छोटेलाल, मोटिवेशन लीडरशिप। आज हम बात करने वाले हैं फोन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन की बात करें, सोशल मीडिया के एडिक्शन। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एडिक्शन जरूर होते हैं। हम बात करने वाले हैं, देखो, एक रिसर्च में बताया गया है कि जो सोशल मीडिया है वो हमारी कंपैरिजन की भावनाओं को बढ़ा रही है, और कंपैरिजन की भावना हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमजोर करती चली जा रही है। अगर एक इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो वो कोई भी डिसीजन जल्द से जल्द नहीं ले पाएगा। 90% लोग जो फोन के यूजर्स हैं ना, 90% हर दिन सोने से पहले अपने फोन का यूज करते हैं और सोने के बाद अपने फोन का यूज करते हैं। एक एवरेजन पर्सन हर दिन 24 घंटे में हर दिन अपने फोन की स्क्रीन पर जो अंगुली टच करता है वो नंबर्स हैं, वो है 8,407 बार अपने फोन की स्क्रीन पर टच करता है। ये तो सिर्फ एवरेजन पर्सन है। अब मैं बात करूंगा हाईएस्ट यूजर की, जो ज्यादा से ज्यादा फोन को यूज करते हैं। उनका जो नंबर है 16,359 बार फोन को टच करते हैं हर दिन में। ये एवरेज है एक हाईएस्ट यूजर का। अब बात करते हैं कि एक इंसान अपने पूरे दिन में कितने टाइम तक फोन का इस्तेमाल करता है। एक एवरेजन पर्सन पूरे दिन में 5 घंटे तक अपने फोन का यूज करता है। अगर आप लकी रहे और आप 50 साल तक जीते हो तो आपने अपने 10 साल 4 महीने सिर्फ इसी में निकाल दिए फोन को यूज करते करते। मतलब कि आप अगर हर दिन में 5 घंटे फोन का यूज कर रहे हो, मतलब कि आपने अपने 50 साल में 10 साल 4 महीने निकाल दिए फोन पर अपना टाइम स्पेंड करके, अपना टाइम वेस्ट करके। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन आज हम अपने फोन की नोटिफिकेशन के गुलाम हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन बजता है हम अपना फोन चेक करते हैं। सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए जाते हैं और घंटों बर्बाद करके आ जाते हैं। बाद में पता चलता है ये टाइम निकल गया, टाइम वेस्ट हो गया, मुझे पता ही नहीं, मुझे अपना इम्पोर्टेंट्स काम करना था, वो इम्पोर्टेंट्स काम छोड़ करके मैंने नोटिफिकेशन चेक किया और घंटों बर्बाद हो गए। अब ये टाइम वापस तो आएगा नहीं आएगा। हम देखो, सोशल मीडिया गलत नहीं है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, फोन गलत नहीं है, लेकिन अगर आप उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो गलत है। सोशल मीडिया कहने के लिए तो एक टूल है जहां से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकल सकता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन निकल सकता है, और आज बहुत सारे लोग यहां से समस्या का समाधान निकाल करके अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जी रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, यहां से सीख रहे हैं। सोशल मीडिया गलत नहीं है। सोशल मीडिया का अगर आप यूज कर रहे हो तो ये सही है, लेकिन अगर सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है तो ये गलत है। स्टीव जॉब ने आईफोन को लाकर के दुनिया में तहलका मचा दिया। पूरी दुनिया में तकरीबन 1 से 1.5 बिलियन मोबाइल बिक चुके हैं आईफोन, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को आईफोन नहीं दिया। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को फेसबुक चलाने की राह नहीं दी। वो कभी भी अपना पूरा टाइम 24 घंटे फेसबुक पे टाइम स्पेंड नहीं करते। वो अपना टाइम इस चीज में वेस्ट कर रहे हैं कि इन एप्लीकेशंस को और कितना अच्छा और बेहतर बनाया जाए ताकि लोग इस पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते। इसलिए वो अपने उन चीजों को ग्रो कर रहे हैं, उन चीजों को और क्लियरिटी कर रहे हैं और स्मार्ट बना रहे हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम इन एप्लीकेशन पे टाइम स्पेंड कर सके। आपको ये देखना होगा, आपको ये जानना होगा, 90% लोग इन चीजों को नहीं जान पाते। वो अपना टाइम वेस्ट करते चले जा रहे हैं, टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, मनी भी वेस्ट कर रहे हैं, और अपनी जिंदगी भी बेकार कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। आज ज्यादातर स्टूडेंट मोबाइल्स गेम पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि ये आपको अट्रैक्ट करते चले जा रहे हैं, आपको कंफ्यूज करते जा रहे हैं, आपको इसमें फंसाते हुए चले जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। गेम खेलने वाला एक बंदा वो फंसता चला जाता है, उसको मजा आता चला जा रहा है, उसको भी पता है कि आखिर में मिलने वाला कुछ नहीं है, लेकिन अपने घंटों वेस्ट कर देता है सिर्फ फोन पर, गेम्स खेलने पर,
सोशल मीडिया पर कुछ कुछ करने पर, फोन करने पर, व्हाट्सएप चैटिंग करने पर बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देता है और उसको पता भी नहीं चलता। बाद में जब देखता है, एनालाइज करता है, तो कुछ हाथ में नहीं आता। उससे भी पता है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मानता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में पाया गया कि 10 में से 9 लोगों को एंजाइटी होने लगती है जब उनके फोन की बैटरी लो होने लगती है। आज इंसान ज्यादातर चीजों को सीरियस नहीं लेता। वो सीरियस तब होता है जब उनकी फोन की बैटरी लो होती है, वो सीरियस हो जाता है। सोशल मीडिया कहने के लिए तो एक टूल है, यहां से बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है और बहुत लोग यहां से अच्छा कर रहे हैं। ये टाइम जो हम वेस्ट कर रहे हैं, वही टाइम अगर हम अपने लक्ष्य पे लगा दें, जो हमने अपने जीवन में तय किया है वहां लगा दें, तो वो ज्यादा दूर नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप उसे प्राप्त कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो अपने टाइम को उतना ही लगाइए जितना टाइम आपके लिए सही है, मतलब कि जितना आपको चाहिए उतना ही अपना टाइम दीजिए। हम फोटो को इस तरह से एडिट करते हैं और उसको एडिट करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अदर अदर सोशल मीडिया पर डालते हैं और फिर देखते हैं कि हम औरों से कितने सुंदर हैं, हम कितने अलग हैं औरों से, और देखते रहते हैं कितने लोगों ने मुझे लाइक किया, कितने लोगों ने मुझे कमेंट किया, कितने लोगों ने मुझे शेयर किया। हम यही चीजें देखते रहते हैं और आपको भी पता है, हर एक इंसान को पता है इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। हम कंपेयर कर रहे हैं औरों से, हम औरों से कंपेयर कर रहे हैं। आपको औरों से कंपेयर नहीं करना है, खुद से कंपेयर करना है, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास है वो सब तुम्हारे लिए खास है, जो भी तुम्हारे पास में नहीं है वो सब तुम्हारे लिए बकवास है। यूज करो, हर चीज का यूज करना सही होता है, लेकिन लिमिटेड, जितना आपके लिए सही है बस उतना ही करो। उसके बाद आप अपना टाइम वहां पे स्पेंड करो जहां पर आप अपने जीवन में कुछ बेहतर करने वाले हो, कुछ बनने वाले हो, वहां पर टाइम स्पेंड कीजिए। इन चीजों से काम नहीं चलेगा। एक नोटिफिकेशन हमारी घंटों बर्बाद कर देता है। देखो, आपको ये देखना होगा कि आपकी जिंदगी में कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। ये फोन आपको चला रहा है या आप इस फोन को चला रहे हो? एक नोटिफिकेशन आते ही हम गुलाम बन जाते हैं फोन के और घंटों बर्बाद कर देते हैं फोन पर। तो आपको ये देखना होगा कौन किसको चला रहा है, कौन किसको भगा रहा है, कौन किसको दौड़ा रहा है। अगर आपको ये चला रहा है ना, तो आप एक दिन जरूर फंस जाओगे और आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे, निकल नहीं पाओगे। इसलिए आपको ये देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये फर्क तय करना होगा आपको। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि YouTube, Facebook, Instagram या किसी भी साइट पर आपको नहीं जाना है। इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि आपको उतना ही यूज करना है जितना आपके काम का है, मतलब कि आपके गोल पर जो चीजें काम आ रही हैं वहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। फोन गलत नहीं है, मैं हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, फोन गलत नहीं है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, इसका सही से यूज किया जाए। तो आपको ये देखना होगा और तय करना होगा कितना टाइम कहाँ पर इन्वेस्ट करना है।